तो हर कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट होता है और एक एंटैगनिस्ट होता है. प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो, हम कहानी का ही बोलते हैं, जिसके अराउंड इर्द गिर्द कहानी घूमती है. और एंटैगनिस्ट वो होता है जो कि कहानी का आप विलन कहते हैं. तो इस कहानी में फिर एक गुब्राइल फैमिली है, बैरन एंड बैरनेस है और उनके भाई कर्नॉट हैम्बर्ग है. तो अब हम इस कहानी की सेटिंग देख लेते हैं. हर कहानी में एक मखसूस जगह बताई जाती है या उसको फिल्माया जाता है या उसको लिखा जाता है स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस. तो ये स्पेसिफिक जो टाइम है जो कहानी हुई है वो होती है 29 दिसंबर. उसके साथ साथ तो ये हो गया हमारे पास टाइम हो गया, ठीक है, सेटिंग. कौन सी जगह, प्लेस जो है हमारे पास क्या है, सर्नोगट कैसल है. पूरी कहानी जो है सर्नोग्रेट कैसल पे के अंदर ही हुई है, कहीं बाहर की कोई सेटिंग नहीं है. अच्छा जी, ये तो हो गई सेटिंग. तो अब हमें पता है कि हर कहानी में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजिशन, जिससे स्टोरी आगे डेवलप होती है कि कहानी असल में क्या है. उसके बाद कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है हर कहानी में जिसको आपका प्रोटैगनिस्ट ओवरकम करता है या उसमें उसको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं. दूसरा होता है क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स जो है पीक, स्टोरी का पीक आर हो सकते हैं कि इसके आगे जो है ना कहानी आइदर हैप्पी एंडिंग में जाएगी या फिर सैड एंडिंग में होगी. दूसरा कि कहानी यहाँ पे जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, चलते चलते जो भी कहानी है उसमें रिवर्सल भी हो सकता है. कोई फॉर्च्यून है, बहुत अमीर बादशाह है, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट उसका होता है, उसमें बहुत परेशान होता है. और उसके साथ क्या होता है, जब वो अपना एक्शन कंप्लीट कर लेता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फॉलोइंग एक्शन में देखने पड़ते हैं. और फिर अपनी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से उसमें कहानी में एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन. ये हर कहानी में, हर स्टोरी, हर शॉर्ट स्टोरी में ये चीज पॉइंट्स तो जरूर होते हैं. अब हमारी जो कहानी है वर्ल्ड ऑफ सेर्नोग्रैट, इसमें हमारा एक्सपोजिशन क्या है, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है. स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई है जब एमिली वॉन सेर्नोग्रैट बताती है कि ये सेर्नोग्रैट कैसल से रिलेटेड स्टोरी. तो हमारी जो एक्सपोजिशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहानी का, वो ये हो सकता है कि एमिली टेल्स द लेजेंड रिलेटेड टू द कैसल, ठीक है, ये हमारी स्टार्ट में. अब इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कहानी में, इसने अपना एक्शन बता दिया कि ऐसी कहानी. कॉन्फ्लिक्ट हमारी कहानी में तब आया जब बैरन और मिसेस बैरन ने उसको यकीन नहीं किया कि आया ऐसा भी हो सकता है. तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दो किस्म के हैं, मैन वर्सेस मैन, यानी कि मिसेस बैरन और बैरनस did not believe on Emily, right? Whatever he said, they did not believe on her. Okay, so ये हमारे पास कहानी में conflict हो गया man versus man. दूसरा हमारा conflict है man versus nature, यानी कि nature में हमारे पास क्या आएगा, nature में हमारे पास जितने भी supernatural elements हैं, यानी कि wolves की howling और सबका खौफ जगह का जो माहौल था, एक एटमोसफेयर, टेंशन वाला जो एटमोसफेयर क्रिएट हुआ था, जो आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको ही मजा आएगा पढ़ने के बाद, वो हमारा मैन ठीक है. एक तो हमारे पास सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल फोर्सेज हो गई जो कि कहानी पे एक्ट कर रही हैं, जितनी भी वुल्फ्स वगैरह की हॉलिंग चिल्ला रही हैं. दूसरा हमारे पास मैन वर्सेस नेचर की इसमें डेथ हो रही है. किसकी डेथ है, एमिली वॉन की, कि जब नेचर चाहे तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, यानी कि मौत जब एमिली की आती है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो खुद से अपने आप को मार रही है या कुछ है, वो एक नेचुरल सा आपके पास नेचुरल है, ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर है. और ये आपसे बोल रहे हैं कि नेचुरल एलिमेंट है, इस पर किसी का कोई रोब नहीं चल सकता. तो हमारे पास दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक मैन वर्सेस मैन, इससे हमें पता चलता है कि दूसरे अगर हम कोई किसी को बात बताएं, ठीक है, और वो उससे बिलीव ना करे, तो यहाँ पे एक क्रिटिक भी एक तरह से साकी ने डेवलप की है कि अगर आप सोशल स्टैंडिंग के बिना पर दूसरों को जज कर रहे हैं तो ये गलत है. जैसे कि बैरन और बैरनस
एमएलई वॉन की कंडीशन देखकर कि वो मुलाजमा है उससे उसकी पीछे बैकग्राउंड को जज कर रही थी और उस पर यकीन नहीं कर रही थी। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया एक्सपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट। हमारा क्लाइमेक्स क्या है? कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब हमें पता चलता है कि एमिली की डेथ होने वाली है। वो किस तरह पता चलता है? कि तमाम के अतराफ के वुल्फ जो हैं हाउल करते हैं। ठीक है, पहला तो वुल्फ हाउल करते हैं, दूसरा कि ट्री जो है गिर जाता है, तीसरा हमारे पास है कि एमिली मर जाती है। एमिली डाइज, कहाँ मरती है? इन हर चेयर, वहीं बैठे बैठे जो है खिड़की के पास वो मर जाती है। तो ये हमारा क्लाइमैक्स है। अब इसके रेजोल्यूशन क्या है, इस कहानी का एंड क्या होता है? इस कहानी का इख्तिताम इतना फनी है, मतलब ये सटायर है, क्योंकि हमें पता है कि सटायर में राइटर जो भी होता है क्रिटिक करता है लोगों की फॉलीज को, उनकी वाइसेस को, कि क्या गलत है सोसाइटी में। तो रेजोल्यूशन ये होता है कि जब वो डेथ मर जाती है एमिली, तो अगले दिन अखबार में शाया कराया जाता है कि बिलवेड डियरली फ्रेंड और वेल रिस्पेक्टेड समथिंग लाइक दैट। ओके, डियरली फ्रेंड शी हैज पास्ड अवे, और उसकी डेट लिखी है, डेट क्या है? 29 दिसंबर। 29 तारीख को उनकी डेथ हो गई है, इनकी एमिली की। अब यहाँ पे क्या है, सटायर जो उन्होंने बहुत विटिंगली साकी ने क्रिएट किया है वो ये कि जब एमिली जिंदा थी तो उनकी कोई कदर कीमत नहीं थी, लेकिन मरने के बाद, क्योंकि वो जो उनकी स्टोरी थी, स्टोरी ऑफ सेर्नोग्रैट्ज़ थी, जो लेजेंड था, वो उनसे पक्का हो गया था कि ये इन्हीं से मखसूस था। तो अब उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों के आपस में अपनी सोशल स्टैंडिंग बढ़ाने के लिए और बताने के लिए कि हमारे साथ ऐसा वाकया हुआ है, तो उन्होंने अपना नाम शामिल कर दिया एमिली वॉन के साथ के डियरली फ्रेंड शी हैज पास्ड अवे। तो ये हमारी थी पूरी स्टोरी। इस स्टोरी में एक और चीज़ है, वो ये कि ये थर्ड पर्सन नैरेटिव में की है। हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि तीन किस्म के नैरेटिव होते हैं हर स्टोरी में। कोई भी आप कभी भी कोई स्टोरी पढ़ें तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेंगी। एक तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है कि कोई भी राइटर अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा होता है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखने के बहुत सारे आप कह लें एडवांटेजेस हैं। वो पहला एडवांटेज है कि लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई बात है जिसपे हंसने वाली बात है तो लोग सब एज्यूम करेंगे कि वो राइटर पे हंस रहे हैं। एक्चुअली राइटर जो है दूसरों की कहानी अपने ऊपर रख के बता रहा होता है, तो इस तरह दूसरों की दिल आजारी नहीं होती। दूसरी एक हमारे पास नैरेटिव होता है थर्ड पर्सन नैरेटिव। थर्ड पर्सन नैरेटिव जो कि लिमिटेड है, यानी कि कोई कहानी बता रहा है उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, तो हमारी स्टोरी ज्यादा थर्ड पर्सन नैरेटिव में। अगर हम वुल्फ्स ऑफ सेर्नोग्रैट्ज़ देखें तो हमारे पास वुल्फ ऑफ जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन नैरेटिव में है, कि कहानी को बताया जा रहा है कि इस तरह हो रही है। इसमें कुछ एलिमेंट्स फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के भी हैं। तीसरा हमारे पास होता है थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट या ओमनीसिएंट ओमनीसिएंट वो नैरेटिव होता है जिसमें आप करेक्टर की स्टोरी बता रहे होते हैं, कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये होती हैं कि उस करेक्टर जिसके साथ ये हो रहा था वो उस टाइम कैसा महसूस कर रहा था, वो उसके साथ कैसा फील कर रहा था, उसमें ये आ जाता है थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट, कि दूसरों के बारे में भी पता चले। ये तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। तो अगर मैं अपने पूरा लेक्चर को रिव्यू करूँ तो इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। पहला, हमने स्टोरी में क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं इसको पढ़ा। दूसरा, हमने नैरेटिव के बारे में जाना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने वुल्फ ऑफ सेर्नोग्रैट्ज़ की स्टोरी पढ़ी। अब उसको हमने डिफरेंट एलिमेंट से भी देख लिया। इसको बताने का मकसद यह है कि आप कभी भी कोई स्टोरी पढ़ें तो आपको चीज़ें पता हो। ठीक है, यूजली होता ये है कि बच्चे, हम अगर कंपेरेटिव करें दूसरे बच्चों से, तो जो रीडिंग करते हैं, जो शौक होता है उनको, उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमको इतना रीडिंग करने की आदत नहीं होती, तो फिर हमें पता नहीं होता। कोई अगर हमसे पूछे भी तो हमें पता नहीं चलता कि क्या बात है, कहाँ पे क्या चीज़ हुई। तो ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। अब हम स्टोरी पे रिव्यू कर लेते हैं कि हमारी स्टोरी थी क्या। स्टोरी ये है, सिंपल से वर्डिंग्स में स्टोरी ये है कि एक लेजेंड है सेर्नोग्रैट्ज़ कैसल से रिलेटेड, और उस कैसल में, उस लेजेंड में यह है कि कोई भी अगर मरता है तो उसमें वुल्फ्स और डॉग्स हाउल करते हैं पूरी रात।
सेनोक्रेटिक फैमिली थी वो, उन्होंने अपना घर छोड़ के बेच के चले गए थे। ठीक है, अब उसमें बैरन और बैरनस एक फैमिली आके रहती है जो उसमें उसमें वहां पे रह रही होती है। दूसरा ये कि वहां पे एमिली वॉन जो होती है उनकी मुलाजमा होती है, मुंतजमा होती है। फिर उसकी जिस दिन डेथ होती है तो उस दिन पूरी रात वुल्फ हाउल करते हैं और जो है उसकी बात सच्ची साबित हो जाती है कि वो सेनोग्रेट फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट ये था कि वुल्फ का आना और वो जो थोड़ी सी सस्पिशियस थी वो थी। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे।